शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, परियोजना निदेशक राम सिंह, डीसी मनरेगा उपेंद्र तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सचिव मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सभी सचिवों के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के प्रगति के संबंध में चर्चा की गई है तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आपको काम करना ही पड़ेगा, ये कहिए नोट कर लेगा उसमें जिला स्तरीय अधिकारी दिल्ली का अभी कभी चले जाए और बात कर लो उसमें एक तो एस डी एम रहे तहसीलदार को भेज दो नहीं कहना कन्या आप देख लीजिए ठीक है आप चले डी डी ओ साहब जाएंगे आप इसमें बताओ 21 में इसमें सर 20 हाँ 20 में 11 जो है मैडम आप लेके इसको डिले मत करिए जल्दी जल्दी बिल्कुल डिले नहीं करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो दो तरीके समीक्षा होगी समीक्षा जो एसीएसआर के लेवल की एसीएसआर टॉप लेवल उससे ऊपर कुछ नहीं है वो देख रहे हैं कि कितना आपने फर्स्ट किस्त क्रेडिट कर जैसे आपने बोला कि 20 सर 20 पात्र है 20 अपात्र है बोलेंगे 20 पहली किस्त कितनी देते हो बताओ 40 तो बोलेंगे 20 × 40 ठीक है कितना हो गया 8 लाख क्या इस सचिव ने क्रेडिट किया ऐसे करते हैं वो भी डाउन में जाते तब तो आप काम करा रहे हो नहीं करा रहे हो जो मर्जी वहाँ कहानी सुना दो सर रजिस्टर करा दिया जियो टैग करा दिया सेंक्शन करा दिया एफटीओ कर दिया नो वो फाइनेंशियल टारगेट से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपको टारगेट दिया है आवास का ये आवास का सही पात्र बंदे को जाना है नियम से जाना है रूल से जाना है गलत बंदे को बिल्कुल नहीं जाना है नहीं तो उसके लिए कार्रवाई करेगी जो अधिकारी जिम्मेवार होगा क्लियर ऐसे बात होती है। किया वैक्सीनेशन में इतनी शक्ति की है तो डेली हम लोग 25,000 की एवरेज निकाल रहे हैं अभी यूपी में टॉप पे चल रहा है 2,500 मेरा 5 बजे तक वैक्सीनेशन ऐसे सुबह ऐसे जैसे आपसे बात होती है एक एक से बात होती है एक काम के जाता है ये आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे आपकी भी ड्यूटी है कि इनके थ्रू जो रिमांड कराना रिमांड कराइए आपको फॉलो अप करना है कि ये विकास होगा नहीं उसके बाद भी आपने अपना डेटा देखते रहना है ये यही ऐसे जीरो जीरो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आज तो ये है टिकरा रुद्रमान किसका है आपका तो सारे सचिव आपका तो प्रकीन है नहीं आपका माउंट बताइए क्या टारगेट है कितने किए आपने 12 रजिस्ट्रेशन हो गई है ब्लॉक पे रख दिए मतलब उसको और स्पेसिफाई करिए किसके पास रखते हैं अपने पास रखते हैं क्यों रखते हैं अपने पास बेहतर वो नहीं रहेगा कि 12 दे दो उतना दे दो ये बेहतर नहीं रहेगा बड़ा जीरो बढ़ जाएगा यार। क्या नाम है आपको बताइए संजय जी ऐसे वर्किंग कितने साल हो गए सर्विस में 21 साल की सर्विस में आपने ये नहीं मतलब ये थोड़ा मैनेजमेंट सीखे ना सही काम करके जल्दी जल्दी दीजिए और आपके कारण किसी का अगर मदद हो रही है तो उसमें क्यों डिले कर रहे हैं आप तो आप ही हो जाएगा उसके बाद क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट है बताओ जो आपको आपकी जिम्मेदारी देखना एक आवास में कितना आप मानव दिवस दे सकते हो बताओ एक आवास में पूरे पूरे एक आवास 90 दिन का तो अगर हमारी कितना उसके बाद लेबर चार्ज कितना बनता है लेबर जो है 204 पूरा अगर आप 90 देते हो तो एक पे कितना हो जाएगा आवास पे कितना पैसा दोगे बताओ अंदाजे से बताओ 18,000 तक होगे तो आप किसी का हक मार रहे हो अगर आप ये फर्स्ट रोल नहीं कर रहे हो आप मतलब सब लोग जो जो नहीं कर रहे तो कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो सरकार एक लाभार्थी के लिए दे रही है जिसको नीड है आप उसके बीच में बहुत बड़ी अड़चन बन रहे हो तो अगर ये सरकार को हाईलाइट कर दिया जाए तो फिर बताओ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी और ये मैं हाईलाइट कर दूंगा ये इनका ड्यूटी था मस्टर रोल निकाल के दो लोगों को ये दे सकते थे लेबर और ये नहीं कर रहे हैं ये इमीडिएटली हमें देखना है
कि हम लोग एक एक पॉइंट पे एक एक आवाज की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ बुलाया मैंने। अब बचेंगे नहीं आप, हमारे लिए पॉसिबल है, हम टाइम दे रहे हैं इस पे। ये भी ध्यान रख लीजिए, सारे सचिव सैंक्शन कराने के बाद इमीडिएटली हर आवास पे दो लेबर लगाएंगे उसी परिवार की। और अगर दो नहीं लगा पा रहे, मान लो एक ही का जॉब कार्ड है, तो एक मस्ट है। और अगर किसी ने लेबर चार्जेस नहीं दिए, और जियो निकाल दिया कि आपकी पे से रिकवर करके उसको लेबर चार्ज दीजिए। हाँ, ये हमारी जो ब्लॉक वार हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें जो ब्लॉक हमारा पीछे रह रहा है, जो स्कीम्स हमारी चल रही है, जैसे आवास योजना है या मनरेगा है, या उसके अलावा हमारे जो NRLM कमीशन चल रहा है, पंचायत भवन बन रहे हैं, तो उसमें बांसगांव के आज सारे स्टाफ को यहाँ बुलाया गया था, सचिव को भी। तो एक एक GP वार रिव्यू किया गया है, और जहाँ जहाँ भी परफॉर्मेंस डाउन है, तो उनको 5 दिन का समय दिया गया है, और बुधवार को शाम को दोबारा बुला के रिव्यू किया जाएगा, और अगर ये फिर भी ठीक होते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे।